30 जून 1906 के पहले यूनाइटेड स्टेट में किसी भी प्रकार का नेशनल फूड सेफ्टी लॉ नहीं था। यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वहां के कांग्रेस नए कानून को पारित नहीं कर पा रहे थे। यूएसडीए के चीफ केमिस्ट डॉक्टर हार्वे ने 1902 में एक समूह का गठन किया जिनका नाम उन्होंने पॉइजन स्क्वाड रखा। ये टीम अपनी इच्छा से पोटेंशियली डेंजरस फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया करते थे ताकि इसका हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है यह पता लगाया जा सके। इस प्रकार की स्टडी का चर्चा यूएस में जोरों शोरों से होने लगा, जिसका फायदा यह हुआ कि यूएस कांग्रेस नेशनल फूड सेफ्टी लॉ को बनाने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार 1906 में यूएस कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसका नाम उन्होंने प्योर फूड एंड ड्रग्स एक्ट दिया। इस कानून के अनुसार अब फेडरल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के एडल्ट्रेटेड मिसब्रांडेड और पॉइजनस फूड को बैन कर सकता था। इसी साल जन आंदोलन के कारण यूएस कांग्रेस को मीट इंस्पेक्शन एक्ट लागू करना पड़ा।